वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइड विजिट। तो हम चलते हैं हमारे फ्लैट की तरफ। फ्लैट के एंट्रेंस पे जो है आपको ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया मिलने वाला है। फॉल सीलिंग की बात करें, एलईडी पैनल इस तरीके के लगा सकते हैं आप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइड विजिट पे मैं सोनिया लेके आई हूँ आपके लिए आज एक लग्जीरियस फ्लैट जो कि आपको मिलने वाला है 3+1। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये आपको 1995 स्क्वायर फीट में मिलने वाला है। इसकी लोकेशन की बात करूँ, ये न्यू चंडीगढ़ की सबसे प्राइम लोकेशन पे आपको मिलने वाला है जो कि है ओमेक्स सृष्टिया रॉयल। जी हाँ, सही सुना आपने। अब हम इसके एलिवेशन की बात करें, आप एलिवेशन देख सकते हैं इसकी S+3 रहने वाली है। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुली जो है इसको तैयार किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे फ्लैट की तरफ। तो अब हम चलते हैं हमारे फ्लैट की तरफ। फ्लैट में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे आपको 2 कार की जो है पार्किंग मिलने वाली है। अब यहाँ पे आपको जो है स्टेयर्स प्लस लिफ्ट की जो है फैसिलिटीज मिलने वाली है। अब हम चलते हैं हमारे फ्लैट की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं हमारे फ्लैट के मेन एंट्रेंस पे। आप एंट्रेंस पे देखेंगे आपको वुडन लुक में बहुत प्यारा जो है डोर दिया गया है। अब हम बात करें इस डोर की, तो इस डोर के पीछे आपको जो है एक सर्वेंट रूम मिलने वाला है जिसके साथ एक अटैच वॉशरूम दिया गया है। अब हम चल रहे हैं हमारे फ्लैट के अंदर। तो अब हम आ चुके हैं हमारे फ्लैट के अंदर। फ्लैट के एंट्रेंस पे जो है आपको ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया मिलने वाला है। ड्राइंग एरिया आप देख सकते हैं, ड्राइंग एरिया में 7-सीटर सोफाज लगने के बाद भी कितनी अच्छी जो है यहाँ पे स्पेस है। अभी भी आपको यहाँ पे एक बहुत प्यारी विंडो दी गई है जो आपके फ्रंट बालकनी से कनेक्ट है और प्लस ये आपके फर्स्ट बेडरूम से भी कनेक्ट है। अब हम बात करें हमारे ड्राइंग रूम के लुक की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बहुत प्यारा जो है वॉलपेपर यूज़ किया है। फॉल सीलिंग की बात करें तो आप इस तरीके की जो है फॉल सीलिंग अपने ड्राइंग रूम में करवा सकते हैं। एलईडी पैनल इस तरीके के लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ना कितने ब्यूटीफुली इसको तैयार किया है। तो अब चलते हैं हम हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ। डाइनिंग एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे 6-सीटर लगने के बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है स्पेस बची हुई है। अगर हम फॉल सीलिंग की बात करें, यहाँ पे भी बहुत ब्यूटीफुल जो है फॉल सीलिंग की गई है। आप लाइटनिंग भी देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पे लाइटनिंग यूज़ की गई है। अब इसके जस्ट साइड में ही जो है आपको काफ़ी अच्छा जो है स्पेस मिलने वाला है। आप इसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना बार एरिया बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप अपना क्रॉकरी एरिया बना सकते हैं। अब यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे डिफरेंट तरीके से जो है फॉल सीलिंग की गई है। तो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर हमें एक कॉमन वॉशरूम दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं। वॉल टू वॉल यहाँ पे टाइलिंग की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल सीलिंग में भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, ब्रांडेड फिटिंग की गई है। तो इस अब चलते हैं हम हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे किंग साइज बेड लगने के बावजूद भी कितनी अच्छी खासी जो है स्पेस बनी हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने बेड बैक पे बहुत ब्यूटीफुल जो है वॉलपेपर का यूज़ किया है। आप भी इस तरीके से अपने बेड बैक पे जो है वॉलपेपर लगा सकते हैं। ये हमारी बहुत प्यारी जो है विंडो आ चुकी है, यहाँ से आप रोज़ जो है बहुत ब्यूटीफुल जो व्यू है वो एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर आपको फ्रंट बालकनी मिलने वाली है, यहाँ पर आप अपनी मॉर्निंग एंड इवनिंग की चाय जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात करें हमारे वॉशरूम की, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक कॉमन वॉशरूम दिया गया है। तो ये जो वॉशरूम है ये हमारे ड्राइंग रूम के साथ जो है अटैच मिलने वाला है। तो अब हम चलते हैं हमारे किचन की तरफ। आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुली जो है हमारे किचन को तैयार किया गया है।
किचन के एंट्रेंस पे ही आपको यहाँ पे फ्रिज के लिए एक बहुत अच्छी खासी स्पेस दी गई है। अब हम बात करें हमारे कैबिनेट्स की, तो हाइड्रोलिक कैबिनेट्स जो है हमें दोनों साइड ही मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉब एंड चिमनी के लिए बहुत अच्छी स्पेस दी गई है। सेल्फ की बात करें तो ग्रेनाइट मार्बल में आपको सेल्फ मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें हमारे विंडो की प्लस डोर की, तो इसके जस्ट बैक में ही आपको बहुत अच्छी स्पेस में जो है बैक बालकनी मिलने वाली है। आप इसे एज अ वॉशिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं हमारे सेकेंड बेडरूम में। आप देख सकते हैं यहाँ पे किंग साइज़ बेड लगा हुआ है, और उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे कितनी अच्छी जो है स्पेस बची हुई है। आप देख रहे हैं इन्होंने यहाँ पर भी जो है बेड बैक पे वॉलपेपर का यूज़ किया है। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत अच्छी स्पेस आपको मिल रही है, और उसके जस्ट साथ में ही आपको एक अटैच वॉशरूम मिल रहा है। कितना प्यारे जो है यहाँ पे हमें वॉशरूम दिया गया है। वॉल टू वॉल यहाँ पे टाइल्स का काम किया गया है। आप देख रहे हो यहाँ पे जितनी भी है सारी ब्रांडिंग फिटिंग्स की गई है। अब हम चलते हैं हमारे बालकनी की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत प्यारी जो है इन्होंने विंडो दी है। विंडो के बैक में ही आपको इतनी अच्छी सी जो है स्पेस में बालकनी मिल रही है विद स्लाइडिंग डोर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कितनी अच्छी जो है बालकनी स्पेस दी गई है। आप यहाँ पे जो है अपना वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, यहाँ पे आप अपना सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। चलिए तो अब हम चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये आ गया हमारा मास्टर बेडरूम। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वीन साइज बेड लगने के बावजूद भी कितनी अच्छी खासी जो है यहाँ पे स्पेस दी गई है। यहाँ पे आप जो है सोफाज भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम बेड बैक की बात करें, यहाँ पे इन्होंने बहुत प्यारा जो है वॉलपेपर का यूज़ किया है। मास्टर बेडरूम में जो है आपको वॉल टू वॉल वार्डरोब मिलने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत प्यारी जो है इन्होंने वार्डरोब लगाई हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत अच्छी स्पेस में वार्डरोब है। अब हम बात करते हैं हमारे विंडो की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टफन ग्लास के साथ स्लाइडिंग डोर में जो है आपको विंडो दी गई है। आप देख सकते हैं ये हमारी बैक यार्ड से हमें कनेक्ट कर रही है। अब हम चलते हैं हमारे वॉशरूम की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें एक अटैच वॉशरूम दिया गया है। वॉल टू वॉल जो है यहाँ पे टाइल्स का काम किया गया है, ब्रांडेड फिटिंग की गई है। तो ये था हमारा 3+1 फ्लैट। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, और मुझे ये वीडियो के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।